अब समाचार विस्तार से। परियोजना ने जून माह में 102.319% पीएलएफ पर 1473.389 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है। इसे लेकर परियोजना अब तक इस वित्तीय वर्ष में 100.868% पीएलएफ पर 4405.899 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर चुकी है। समारोह को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि परियोजना के कर्मचारी रिहन परियोजना को देश की श्रेष्ठतम विद्युत गृहों में एक करने का प्रयास करें तथा इस वर्ष 100% पीएलएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि रिहन के तृतीय चरण को हमें 32 महीने में पूरा कर इस विद्युत गृह की क्षमता 3000 मेगावाट करनी है। जो भारत सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है उसमें आप सभी को खरा उतरना है। अभी बाकी है सुनहरी यादें का उद्घाटन, क्रोशिया प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन व अन्य खबरें, लेकिन परियोजना को एनटीपीसी नेग ने स्तर पर वर्ष 2005-2006 में, परियोजना प्रबंधन वर्ष 2006-2007 में, राजभाषा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन सीएसआर एवं सामुदायिक विकास एवं वर्ष 2007-2008 में राजभाषा तथा सुरक्षा के लिए विजेता एवं वर्ष 2005-2006 में कर्मचारी संबंध तथा वर्ष 2007-2008 में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उप विजेता का स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ कंपनी द्वारा सभी क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन के लिए रिहन एवं कोरबा को संयुक्त रूप से चैंपियन घोषित किया गया है। यह पुरस्कार सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रामचरण शर्मा ने, क्षेत्र कार्यकारी निदेशक उत्तर श्री इंदु भूषण पांडे तथा परियोजना के महाप्रबंधक श्री मानस सरकार को प्रदान किया।